मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बेनिफिशियल साबित होगी ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसके पीछे दो ही मेजर रीजंस देखने को मिलते हैं, या तो ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलता है या फिर ब्रेन के अंदर हेमरेज देखने को मिलता है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो मैनेजमेंट है एक लेवल पे आकर सिमिलर पैटर्न पे की जाती है। इनिशियल जब किसी को स्ट्रोक होता है तब जज करना ज़रूरी होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है या नॉन हेमरेजिक है, क्योंकि इनिशियल जो फर्स्ट एड है उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है दोनों बीमारियों के मैनेजमेंट के अंदर, दोनों रीजंस के मैनेजमेंट के अंदर। क्योंकि अगर किसी के ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है तो जैसे ही उसको पैरालिसिस हुआ है वो इनिशियल 3 घंटे का फेज बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन पीरियड होता है जिसके अंदर हम बॉडी को बचा सकते हैं फर्दर नुकसान से। अगर उस टाइम के अंदर उसका MRI CT स्कैन हो जाता है और हमें पता चल जाता है ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है तो इनिशियली ही उसे इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को TPA, जिसकी हेल्प से क्लॉट डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, क्लॉट फॉर्मेशन थोड़ा रुक जाती है और जो इम्पैक्ट आना होता है बॉडी के ऊपर पैरालिसिस की वजह से वो कम होता चला जाता है। तो इनिशियल फेज में मैनेजमेंट दोनों रीजंस के लिए अलग अलग ज़रूर है, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप डायग्नोस हो जाते हो, जब आपको ये बीमारी हो ही चुकी है, उसके अंदर हमें मैनेजमेंट के अंदर क्या ध्यान रखना है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ, जो है हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए एक बहुत हेल्दी डाइट को मेंटेन करना है। जब भी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट सफ़र कर रहा है इस बीमारी से और अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होता चला जाता है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की रिकवरी के लिए, उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए, ताकि रिकवरी फटाफट से होना स्टार्ट हो जाए, बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है? डाइट के थ्रू। तो हमें क्या ध्यान रखना है? अपनी डाइट पे फोकस करना है। डाइट इस तरीके की पेशेंट को देनी है कि जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट साथ में ना मिले, कोई भी कॉम्प्लिकेशन जनरेट ना हो और बॉडी को एनर्जी पूरी की पूरी मिलती रहे। तो हमें डाइट में क्या ध्यान रखना है? हमें प्रोटीन एनरिच्ड डाइट देना है, साथ के साथ विटामिन डी और B12 की मात्रा अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में जाती रहे, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रोटीन एनरिच डाइट के अंदर आपका क्या आता है? जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, दूध है, गाय का दूध या फिर डबल टोन मिल्क बिना मलाई का आप दे सकते हो। जो पेशेंट्स नॉनवेज खा लेते हैं उनके अंदर आप एग वाइट इस्तेमाल कर सकते हो, फिश है, चिकन है, इसको रोस्टेड या ग्रिल्ड फॉर्म में दे सकते हो। आपको फ्राइड फॉर्म में नहीं देना है, ग्रिल्ड फॉर्म के अंदर देना है ताकि एक्स्ट्रा फैट कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ना जाए, क्योंकि फ़िश के अंदर बहुत अच्छी पावर होती है हीलिंग की, क्योंकि ये एक रिच प्रोटीन एनरिच्ड फूड है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। तो वो मदद क्या करता है? आपकी बॉडी को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाता है, क्योंकि विटामिन डी की सोर्स बहुत अच्छी होती है, आपकी मांसपेशियों में, आपकी हड्डियों में रिकवर होने की ताकत बढ़ती चली जाती है। तो जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, इनिशियली जब पेशेंट बेडरिडन है उस टाइम पे उसको आप लाइट प्रोटीन पे रखो, जो प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे आपकी मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, मोट की दाल है, ये लाइट प्रोटीन के अंदर आता है। प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है इन पल्सेस के अंदर, लेकिन इसको बॉडी को पचाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जब पेशेंट बेड रिडन है, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है, ये लाइट प्रोटीन अगर आप उसको देते हो तो कम से कम वो पचा पाता है और बॉडी में ताकत भर पाता है, क्योंकि पेशेंट को दोबारा रिकवर करवाने के लिए अच्छी हेल्दी डाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनर्जी हमें डाइट दे पाती है, बाहर से सप्लीमेंटेशन उतनी हद तक नहीं कर पाती है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आप विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन सैशेज आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, वो भी पेशेंट को दे सकते हो ताकि साथ में उसको बूस्ट मिल जाए, लेकिन डाइट जो मेजर रोल प्ले करता है उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब डाइट में प्रॉपर चीज़ें जा रही होती हैं तो पेशेंट की बॉडी को रेगुलर बेसिस पे एनर्जी मिलती चली जाती है, बॉडी में एनर्जी पूरी होगी तभी ब्रेन तक भी ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जाएगा, ब्लड जाएगा और साथ के साथ रिकवरी आपकी जल्दी होती चली जाएगी। जब भी पेशेंट साईं संजीवनी के अंदर आता है सबसे पहले उसका डायग्नोस बनाया जाता है कि किस वजह से उसको स्ट्रोक हुआ,
ब्रेन के अंदर हेमरेज था या फिर क्लॉट फॉर्मेशन थी, एक बार जब रीज़न को रूल आउट कर लिया जाता है उस हिसाब से उसको डाइट एडवाइस की जाती है, क्योंकि जो पेशेंट ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं उनके अंदर सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनका बीपी अच्छे तरीके से मैनेज होता रहे। आपको अपनी डाइट से, अपनी मेडिसिन से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बेसिक कारण हैं जिसकी वजह से लोगों में पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं पैरालिसिस होने, जो पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, साथ के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज रहता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के या हेमरेज होने के। तो अगर हम चाहते हैं हम इस बीमारी से बच सकें, साथ के साथ अगर हम इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और दोबारा से हमें ये बीमारी ना हो, तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि हमें अपनी बीपी शुगर की मॉनिटरिंग ठीक तरीके से करनी है, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, चाहे आपकी डाइट से हो, हेल्दी लाइफस्टाइल से हो या एक्सरसाइजेस से हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है। अपनी बीपी शुगर की जो भी मेडिसिंस चल रही हैं उनको कभी भी स्किप नहीं करना है। जितनी भी टाइप ऑफ स्ट्रोक होते हैं, चाहे हेमरेजिक है या क्लॉट की वजह से है, उनके अंदर अगर हमें रीज़न साथ में जुड़कर मिल रहा है कि पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है या बीपी का मरीज रहता है, तो उसके अंदर लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें अपनी मेडिसिंस टाइम टू टाइम लेनी है। अगर मेडिसिन से आपका बीपी शुगर मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप नियर बाय डॉक्टर को विजिट करो, उनसे अपनी मेडिसिन दोबारा सेट करवाइए, अपनी डाइट में चेंजेस कीजिए, साथ के साथ अपना एक्सरसाइज का एक रेजिमेंट फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करेंगे, ब्रेन जब दोबारा सिग्नल भेजेगा मांसपेशियों को चलाने का, तभी वो दोबारा से फंक्शनिंग में आ पाएगी, अगर आपकी मांसपेशियां हेल्दी हैं तो। अगर आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ती चली जाएगी या मांसपेशियां सूखने लग जाएगी। तो हमें कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है जिसका रिजल्ट एट द एंड ये हो कि हमें दोबारा इंडिपेंडेंट होने में मुश्किल फेस करनी पड़ रही है। तो हमें कुछ प्रिकॉशंस का खास ध्यान रखना है। अपनी बीपी शुगर की मॉनिटरिंग कीजिए, अगर आपका कोई ब्लड थिनर दवाई चल रही है, खून पतला करने की कोई भी मेडिसिन चल रही है, उसको आपने एब्रप्टली अपनी मर्जी से बंद नहीं करना है। डॉक्टर की गाइडेंस के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है या फिर एकदम से विड्रॉ नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पेशेंट अचानक से अपनी सारी एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को दोबारा से स्ट्रोक भी हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले हमें रीज़न को हटाना होता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है। जब तक आप रीज़न को रिमूव नहीं करोगे, ये बीमारी एक बार होने के बाद बार बार हो जाती है, ऐसी टेंडेंसी इस बीमारी की है। तो अगर हम दोबारा इस बीमारी से बचना चाहते हैं, ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं पैरालिसिस से, तो रिकवरी के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है।